बात आजादी से पहले की है। बाबा के एक अनन्य भक्त सिन्हा जी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर थे। एक दिन बाबा के दर्शन हेतु आश्रम आए तो बाबा जी ने उनसे एक कागज और पेन मांगा। बाबा ने उस कागज में राम राम लिखकर नीचे लिख दिया कि तू कप्तान बनेगा। उसके नीचे बाबा ने अपने अंगूठे की छाप लगाकर उसके नीचे लिखा बाबा नेम करोरी। उस समय अंग्रेजी शासन था, उनका इस छोटे से पद से आईपीएस अफसर होना उन्हें संभव नहीं लग रहा था। समय बीतता गया, 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। अंग्रेज अफसर इंग्लैंड और मुसलमान अफसर पाकिस्तान चले गए। पुलिस अफसरों की काफ़ी कमी हो गई। ऐसे समय में सिन्हा जी को पुलिस कप्तान बनने का सौभाग्य मिला। इस पद पर कार्य करते हुए 5 वर्ष हो गए थे उन्हें। एकाएक सरकार की ओर से एक योजना बनी कि इस प्रकार तरक्की वाले अफसरों को पदावन्नति कर दी जाए और रिक्त पदों को नई भर्ती से ट्रेनिंग प्राप्त अफसरों से भर दिया जाए। इससे सिन्हा जी बहुत दुखी हो गए और घर पर उन्होंने कहा कि वो या तो अवकाश ले लेंगे या त्यागपत्र दे देंगे, परंतु आगे कार्य नहीं करेंगे। इतने में एक अर्दली ने उन्हें आकर सूचित किया कि बाहर सड़क पर खड़े एक बाबा आपको बुला रहे हैं। सिन्हा जी ने जाकर देखा तो बाबा बाहर खड़े थे। बाबा सिन्हा जी को देखते ही बोले, नौकरी नहीं छोड़ेगा, तुझे कोई इस पद से नहीं हटाएगा। इसके कुछ समय पश्चात सरकार की ओर से आदेश प्राप्त हुआ, उसमें उनकी विशेष सेवाओं को ध्यान में रखते हुए स्थायी आईपीएस बना दिया गया। बोलो नीम करोरी बाबा की जय, जय हो प्रभु, जय सिद्धि माँ की सदा जय हो प्रभु, सब भक्तों का कल्याण करना प्रभु, जय हो।